हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आया हूँ हमारी बाड़ी पे, जिसमें हमने प्याज लगाए थे और वो प्याज खुद कर निकाल दिए हमने। उसमें लगभग 15-20 हज़ार का लॉस हुआ है बरसात की प्याज में। तो हमें प्रैक्टिकल से ये सीख मिली है कि बरसात में प्याज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत खर्चा हुआ है, बारिश भी ज़्यादा हुई थी, इस वजह से प्याज ढंग से पक नहीं पाए, फूल नहीं पाए, इस वजह से उनका जो प्याज का आकार है वो बहुत छोटा रह गया। किसी में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर हमारा बहुत सारा लॉस हुआ है इस बार बरसात की प्याज में। अब इसकी हम सफाई कर रहे हैं इस बाड़ी की। इसके बाद फिर 15-20 दिन बाद इसमें फिर से प्याज लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सफाई अभियान चल रहा है हमारा, प्याज लगाने वाला सोनपाती गोपाल ये अभी आया है और आके जब ये आम के जो कुछ लकड़ियां वगैरह पड़ी थी इनको कड़वा के इधर डाल दिया था साइड में, लेकिन जो कुछ बची थी उनमें आग लगा दी हमने। और इसके बाद फिर रखाई होगी, वो ट्रैक्टर रखा है सामने महिंद्रा, और ये राम भगवान खड़े हैं जो ट्रैक्टर के साथ में आए हैं देखने। तो दोस्तों देख बने रहिए वीडियो में, थोड़ी देर बाद हमारा ट्रैक्टर चालू होगा। ये ट्रैक्टर के मालिक खड़े हैं और क्या। ये दोस्तों हमारी पानी की टंकी, दोस्तों ये मेरा यहाँ का सबसे पहला वीडियो है, मान के चलो ये फर्स्ट ब्लॉग है हमारी इस छोटी सी बाड़ी का। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सपोर्ट करिएगा, जो भी नए व्यूअर्स आए हैं। ये दोस्तों ग्राम पंचायत, और ये हमारी कंट्रोल जहाँ से अनाज वितरण होता है। ये हमारी दोस्तों दूसरी बाड़ी, जहाँ पर हमने आलू लगाए हैं। आप देख सकते हो आलू के छोटे छोटे पौध आपको दिख जाएंगे। और ये बाड़ी हमारी बाहर की है, तो उसको सफाई के बाद ट्रैक्टर चलाया जाएगा, इसकी अखाई जुताई होगी 2-3 बार, फिर इसके बाद इसमें प्याज लगाई जाएंगी। दोस्तों इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो ये सरसों मस्टर्ड, जिसमें लगभग फूल आ चुके हैं पूरी तरह से, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है सरसों का। दोस्तों सरसों बहुत मुनाफे की फसल है, इसमें कम खर्चा है, लागत बहुत कम है, और उत्पादन भी इसका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों हमने ट्रैक्टर चालू कर दिया है, ये गोपाल सफाई कर रहा है खेत की।
तो आप देख सकते हो दोस्तों, मिठाई चालू हो चुकी है खेत। तो दोस्तों फाइनली हमारी बाड़ी तैयार हो चुकी है हक्के। अभी हम इसमें दोबारा से गिरवाएंगे ताकि जो जितना भी कचरा है ये सब साफ हो जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग बाड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है दोस्तों।